हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप पाइथन के बेसिक्स क्लियर कैसे कर सकते हैं। हेलो, वेलकम टू टीच यूगल। तो आज से मैं पाइचाम का सेशन शुरू कर रहा हूँ। आपको सारे बेसिक्स और एडवांस क्लियर करवाऊँगा, फंक्शन बनाना और बहुत सारे चीज़ जो क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया ए। तो यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल बन गया ए, पर इसकी अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी 8। अब हमने एक और वेरिएबल बनाया h, तो हमने अब इसकी वैल्यू असाइन कर दी 7। तो अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो ए प्लस h। तो ये तो ऐड हो गया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इसे रन भी करूँगा तो यहाँ पे कोई एरर तो शो नहीं होगा, बट ये प्रिंट भी नहीं होगा। तो अब इसे प्रिंट करने के लिए इसे मैं डाल दूंगा ब्रैकेट के अंदर, और इसके बाहर लगा दूंगा मैं प्रिंट। तो ये जैसे ही ये हो गया, अब इन दोनों को ऐड करके 15, ये देखो रिजल्ट यहाँ पे। तो ऐसे करके आप ऐड कर सकते हो, और चाहो तो इसकी वैल्यू भी आप दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू है पहले 8, अब मैंने ए की वैल्यू को अपडेट करके कर दिया ए प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो ए की एक्चुअल वैल्यू हो गई अब 15 हो गई। तो जब मैं दोबारा प्रिंट के अंदर ए लिखा, तो ये वाला ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि अगर ये कोई और लैंग्वेज होता तो इसमें एरर आ जाता, लेकिन ये पाइथन है, पाइथन लाइन बाय लाइन जाता है, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं एच की वैल्यू को भी अपडेट कर सकता था, फिर मैं एच प्रिंट करवा देता। बट अगर हम यहाँ पे इसे कोई और वेरिएबल असाइन कर देते हैं ए प्लस एच को, और यहाँ पे हम प्रिंट डालते हैं ए, तो हमारा जो प्रिंट होगा वो लेटर होगा 8, क्योंकि तो यहाँ पे ए की वैल्यू असाइन है 8। अब अगर यहाँ पे हम जी डाल देते हैं, तो अब जो प्रिंट होगा दोबारा 15 होगा। तो ऐसे हम एक वेरिएबल को उसकी वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए, एच और जी एक वेरिएबल थे, जी की वैल्यू 8, 7, ए प्लस एच था। ठीक है, अब किसी वेरिएबल को एक स्ट्रिंग वैल्यू कैसे बनाए? ऐसे डायरेक्ट टाइप कर दोगे तो ये एरर होगा, लेकिन अब एक स्ट्रिंग तब बनेगा जब मैंने इसे डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी लिख दूं। तो अब ए की वैल्यू ये हो गई, AFIJKF, ये ए की वैल्यू हो गई। अब हम एच की वैल्यू असाइन कर देते हैं हाई। तो अब जो हमारा ये होता है वेरिएबल वाला स्ट्रिंग डेटाबेस डेटा टाइप, ये हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। मतलब हम इसमें एडिशन कर सकते हैं। एडिशन का ये मतलब नहीं कि इस दोनों को एडिशन का ये मतलब नहीं गाइस कि हम इन दोनों को एडिशन का ये मतलब है कि हम इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, तो प्रिंट कर दिया मैंने। अब हमें यहाँ पर फिर से डालूंगा ए प्लस एच। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, एच आई इसके बाहर लिखा गया। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ से हटाए और फिर प्लस ए दे, तो जो अब होगा, अब हाई जो होगा वो पहले प्रिंट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसे एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, अब इन इनम्यूटेबल डेटा टाइप के साथ और देखते हैं। तो अब जो ए है, अब हम इसके इंडेक्स, अब A1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? F। देखा, यहाँ F इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि जो इंडेक्स की वैल्यू होती है वो एक इंडेक्स पे स्टोर होती है। तो E की यहाँ पे इंडेक्स हो गया 0। ठीक है, फिर F के इंडेक्स हो गया यहाँ पे 1, फिर इस J के इंडेक्स यहाँ पे 2, फिर I के इंडेक्स यहाँ पे 3, फिर F के इंडेक्स यहाँ पे दोबारा से 4, और फिर K के इंडेक्स यहाँ पे 5, और फिर F के इंडेक्स यहाँ पे 6। लेकिन जब हम इधर से रीड करेंगे तो ए की इंडेक्स हो गया -1। हमने यहाँ पे -1 इसलिए रखा क्योंकि कंप्यूटर, अगर हम दोनों साइड 0 0 लिख देंगे तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एफ वाले इंडेक्स की बात कर रहा है या फिर ई ई वाले इंडेक्स की। इसलिए ये -1 होता है, फिर ये -2 होता है, फिर ये -3 हो गया, फिर ये -4 हो गया,
फिर ए माइनस, फिर ए जे माइनस फाइव हो गया, फिर ए माइनस सिक्स हो गया और ए माइनस सेवन। तो यहाँ पे मैं अब डालता हूँ माइनस सेवन, तो हम प्रिंट कर देंगे ई, देखा यहाँ पे ई प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस वन डालूंगा तो एफ प्रिंट हो जाएगा दोबारा, देखो। लेकिन ये वाला एफ है। अब देखो, अब इसके साथ भी हम एक और चीज़ कर सकते हैं। अब ए हमने प्लस कर दिया क्या, जीरो, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, एफ और ई, एफ ई, नाइस। तो ये हो गया हमारा म्यूटेबल का एग्जाम्पल स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग के साथ और भी होते हैं, तो और देखते हैं क्या बताऊं मैं आपको। अब देखो, हम इसमें फॉर आई इन रेंज, अब मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब इसकी एक हमारे जो वेरिएबल है उसकी लेंथ हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है एल एन, एल ई एन। इससे किसी भी लिस्ट की, टपल की, किसी भी चीज़ की लेंथ आ जाती है, ठीक है। तो अब जब हमने एक फॉर लूप बना दिया, फॉर लूप प्रिंट ए, और यहाँ पे हम लिख देंगे आई। अब देखो ये कैसे प्रिंट होता रहेगा, ई एफ आई जे के आई एफ ये, देखा लाइन बाय लाइन प्रिंट होता गया। सबसे पहले जो वैल्यू आई वो 0 आई, फिर उसके बाद 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, फिर लास्ट में वो आई। तो अब लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं हमारी लेंथ की वैल्यू क्या थी, लेंथ ए की वैल्यू क्या थी, पहले तो ये देखते हैं। इसको मैं इसके नीचे करके लूप से बाहर लिखूंगा, क्योंकि अगर लूप के अंदर लिखा तो हमारी लेंथ की वैल्यू 7 थी और हमारा लूप चला कितना, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। लेकिन जो यहाँ पे जो लूप चला है ना, वो ऐसे चला है, वो एक्चुअल में 6 तक गया है, 0 1 2 3 4 5 और ये 6। क्योंकि अगर इसकी यहाँ पे पहली वैल्यू ही 1 होगी तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो एफ होता, और फिर उसके बाद जो वैल्यू चेंज हो, 0, आई की पहली वैल्यू 0 है तभी ई प्रिंट हुआ। अगर आई की पहली वैल्यू ही 1 होती तो एफ प्रिंट होता, फिर एफ से एफ तक प्रिंट होता है, फिर इतना ही प्रिंट होता। तो ये हमारा फॉर का हो गया, एक लूप बता दिया मैंने तुम लोगों को छोटा सा। हाँ, अब देखो एक और फंक्शन होता है जो हम स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हैं, स्प्लिट का। हमने इसे कर दिया स्प्लिट कॉमा, तो यहाँ पे हम लोग सेपरेटर में डाल रहे हैं कॉमा। तो देख, जैसा आप देख सकते हो हमारे स्ट्रिंग में एक भी कॉमा नहीं है। अब इसे हम एक और फंक्शन के अंदर डाल देंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर। पाइथन में आप जितना कम वेरिएबल्स का यूज़ करोगे गाइस, उतना आपका कोड फास्ट रन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सेपरेट नहीं हुआ, जैसा था वैसा लिस्ट हमें मिल गया, क्योंकि हमने जो सेपरेटर डाला था वो उसमें है ही नहीं। तो जब तक वो होगा नहीं कहीं पे कॉमा, तब तक वो सेपरेट नहीं होगा। यहाँ पे हम एक दूसरा सेपरेटर ट्राई करते हैं, स्पेस। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने कुछ भी नहीं डाला तो वो वैसा का वैसा वापस आ गया। अब मैं एक ये डालता हूँ तो ये देखो एक एरर आ गया इसके अंदर। बस जब मैं स्पेस डाल दूंगा ये, तो ये एरर हट जाएगा। अब हमने डाल दिया कि स्पेस है, अब हमारा जो सेपरेटर है स्पेस है, इस यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो देखो अब मैं इन सब के बीच में स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ के बीच में कॉमा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब जो सेप हो, जो अब हमारी लिस्ट बन के आएगी, ये सारे, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, अब ये एक एलिमेंट है, अब ये एक एलिमेंट है, अब ये एक एलिमेंट है। तो स्प्लिट से तुम ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, और अब जो भी तुम इसके अंदर पास करोगे वो तुम्हारा सेपरेटर हो जाएगा। अब जैसे हमने कॉमा को एक बना दिया, तो ये हमारे स्टार्टिंग वाले सेपरेट हो गए और बाकी सारे एक हो गए, चाहे उनमें स्पेसेस भी थी। तो ये हमारा स्प्लिट फंक्शन कर देता है। और स्प्लिट फंक्शन जो हमेशा डेटा टाइप रिटर्न करता है ना गाइज, वो हमेशा लिस्ट होता है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट का। आज हम सिर्फ स्ट्रिंग्स पे ही बात करेंगे, और स्ट्रिंग्स में जितने भी ये स्ट्रिंग म्यूटेबल डेटा टाइप है तभी इसमें स्प्लिट चलता है।
जो भी इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं उनमें स्प्लिट फंक्शन काम नहीं करता, उनमें कोई भी डेटा मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। तो जो हमारा टपल होता है वो हमारा एक इम्यूटेबल डेटा बेस टाइप हो इन इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, इसलिए उस पर कोई भी ऐसे फंक्शंस काम नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें कुछ और करते हैं, स्प्लिट फंक्शन हो गया, अब ये होता है ज्वाइन फंक्शन। अब इसमें हमें किससे ज्वाइन करना है, देखो अब मैं यहाँ पे एक एच बनाता हूँ जिसकी वैल्यू देता हूँ मैं 9, ठीक है, तो ज्वाइन एच, ठीक है। अब मैं इन्हें प्रिंट कर स्टेटमेंट के अंदर डाल दूंगा, प्रिंट, आर, अब ज्वाइन हो जाएगा। हाँ अब देखो ये देखो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, एच को मैंने ज्वाइन किया ए में, ठीक है, एच को ज्वाइन कर दिया ए में, तो सारे में ई आर 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 एफ आर आर जे आर आर आई आर आर एफ आर आर के आर आर एफ सब में आ गया। तो ऐसे करके हम किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक तो है इस स्ट्रिंग के साथ, और कुछ दिखाता हूँ, ज्वाइन बता दिया, ऐसे लिस्ट में बनाना बता दिया। तो स्ट्रिंग के साथ ही कुछ बेसिक तो स्ट्रिंग के साथ ही कुछ बेसिक फंक्शंस से जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट में मैं इफ और एल्स का यूज़ करना भी सिखाऊंगा स्ट्रिंग के ऊपर, और फॉर लूप का भी इस्तेमाल तो मैंने आपको दिखाई दिया था आज ही। तो मतलब नेक्स्ट में मैं आपको इफ एल्स बताऊंगा और टपल के बारे में बताएंगे, और देखते हैं किस चीज़ पे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और सीखते रहो, और क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।